हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेल्दी केक किचन। आज हम बनाएंगे पनीर वेजी डिलाइट। ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रिशियस खाना जो होता है वो हमेशा बोरिंग होता है। खाने को हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं थोड़े से एलिमेंट्स डाल के। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको डिनर रेसिपी हमारी कैसे बनेगी। बट स्टार्ट करने से पहले आपको तो पता ही होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। मेरे पास फ्रिज में जो भी वेजीज अवेलेबल थी मैंने वो डाली हैं इसमें। मैंने लिया है 200 ग्राम्स पनीर, टमेटो, कैप्सिकम, अनियन, ग्रीन चिली और कैरेट्स। एक पैन गरम कर लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून घी और रफली चॉप अनियन। एक अनियन लिया है मैंने, उसको सौते कर लेंगे। ये डिनर रेसिपी हम 2 जनों के लिए बना रहे हैं, इसीलिए हम एक अनियन लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम। एक कैप्सिकम लिया है मैंने, इसको भी सौते कर लेंगे। वेजीज को कभी भी हम ज़्यादा नहीं पकाते हैं, अदरवाइज इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू निकल जाती है। हमें जस्ट टॉस करना है ताकि इसका क्रंच भी रहे। 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे टमेटो। एक टमाटर लिया है मैंने, टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाएंगे। बस ये वेजीज रेडी हो गई हमारी। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। उसी सेम पैन में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून घी, पनीर डालेंगे और पनीर को अच्छे से ग्रिल कर लेंगे। 2 मिनट में पनीर भी ग्रिल हो जाएगा। पनीर में बहुत प्रोटीन होता है, वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। बेसिकली प्रोटीन डाइट लेने से हम ज़्यादा समय तक फुल रह सकते हैं, हमें बार बार भूख नहीं लगती है। देखिए पनीर ग्रिल हो गया है, एक अच्छा सा क्रस्ट आ गया है इसके ऊपर और ये रेडी हो गई हमारी डिश। अब हम इसे सर्व करते हैं। एक प्लेटर ले लेंगे, उसमें मैं डालूंगी सबसे पहले ग्रेटेड कैरेट। एक कैरेट ली है मैंने, कैरेट इसलिए डालेंगे क्योंकि खाने में बहुत अच्छा क्रंच आएगा और ब्यूटीफुल भी दिखता है बहुत। इसमें हम डालेंगे पनीर। हमारी वेजीज एक लेमन स्लाइस रखेंगे, इसको मैं टॉप करूंगी हुमस के साथ। हुमस कैसे बनता है मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हुमस में बहुत प्रोटीन होता है। अब इसे हम टॉप करेंगे बेजिल लीव के साथ और ये रेडी हो गई आपकी पनीर वेजी डिलाइट डिनर रेसिपी। ट्राई ज़रूर करें इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मंडे एक नए मील प्लान के साथ। स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी।